आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम एमपी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी दिग्विजय सिंह की, उसके बाद हमने बात कल ही बात की थी शिवराज सिंह चौहान की, और आज हम बात करेंगे कमलनाथ की। एक एमपी पॉलिटिक्स में, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नाम रह गया है, उमा भारती। उमा भारती का बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उनकी भी बायोग्राफी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम कमलनाथ की बात करेंगे। ये प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं, 18th चीफ मिनिस्टर, 9 बार एमपी रह चुके हैं दोस्तों, अभी 9वीं बार एमपी बने हैं दोस्तों। तो कमलनाथ का करियर कमाल का है, और दिग्विजय सिंह जो कि 1993 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। 2018 में जब चुनाव हुए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों जगह सरकारें कांग्रेस की बनी, ठीक है। तो जब कांग्रेस की सरकार बनी तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह काफी गुटबाजी हो गई थी, ठीक है। जैसे अगर एमपी की बात करें तो यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक गुट बन गया था, वैसे गुट है उनका, बहुत टाइम से है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमाल का काम किया था, और जब चीफ मिनिस्टर के चुनाव हुए तो ऐसा लग रहा था कि शायद युवाओं को मौका दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी भी राजीव गांधी की तरह ही सोचते हैं, युवाओं को आगे रखते हैं, ठीक है। इधर दिग्विजय सिंह का ग्रुप था, इधर अरुण सिंह का, इधर कमलनाथ, तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन, लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। लोकसभा के इलेक्शन में सभी लोग हार गए थे, कमलनाथ अकेले जीते थे और कमाल का काम किया था। तो कमलनाथ की बात करेंगे दोस्तों, देखेंगे इनकी बायोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और प्रिंट ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। 10 जनवरी तक यानी कि 3 दिन तक सारे कोर्सेज पे 70% ऑफ है, तो आप जरूर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का अगर कोर्स अवेलेबल है तो आप जरूर खरीदिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर हम बात करते हैं कमलनाथ की, 18 नवंबर 1946 में कानपुर में इनका जन्म हुआ था, क्या बात है। वैसे ये विकिपीडिया के हिसाब से है, क्योंकि दोस्तों डेटा ज्यादा मिला नहीं। वैसे तो इनके काफी इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, सुनते भी रहता हूँ। मुझे याद है कि जब लोकसभा इलेक्शन हारे थे, कांग्रेस हारी थी, तो कमलनाथ ने पहले ही बोल दिया था एक इंटरव्यू में कि हम हारेंगे, हारना तय है हमारा कांग्रेस का, आप इतनी बुरी तरह हारेंगे ये हमने नहीं सोचा था। उसके बाद वो आपकी अदालत में आए थे, आपकी अदालत एक बहुत ही फेमस शो है, तो आपकी अदालत में रजत शर्मा ने ये बोला था, रजत शर्मा जो कि होस्ट करते हैं आपकी अदालत को, कि ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं कांग्रेस के वो नहीं आ रहे हार के बाद, लेकिन आप आए, कमाल की बात है। और कमलनाथ ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया, कुछ भी कहिए, बहुत अच्छे से डिफेंड किया। इससे ये पता चलता है कि काफी परिपक्व पॉलिटिशियन है, काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है, साथ ही साथ दोस्तों काफी सीनियर पॉलिटिशियन है। ये 1977 से, संजय गांधी के समय से कमलनाथ जो है वो कांग्रेस में एक्टिव है। दून स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, दून स्कूल जो कि देश का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, बेहतरीन लोग यहां से निकले हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे एक्टर्स। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी कैलकटा, वहां से इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है। अब दोस्तों क्या था, 1975 में लगा दी गई इमरजेंसी, ठीक है, 1977 में इमरजेंसी हटाई गई। संजय गांधी की बायोग्राफी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। संजय गांधी का नाम आप हमेशा देखते होंगे, जब भी मैं कांग्रेस, स्पेशली जब मैं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की बायोग्राफी रिव्यू करता हूं, उनका नाम हमेशा आता है। तो संजय गांधी कौन थे उनकी भी बायोग्राफी मैं बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। ऐसा बोला जाता है कि 1975 की जो इमरजेंसी थी उसमें संजय गांधी का सबसे बड़ा हाथ था, क्या हाथ था वो हम उन्हीं की बायोग्राफी में देखेंगे। तो 7वीं लोकसभा में 1980 में ये चुन किया है। इससे पहले दोस्तों 1977 में जब कांग्रेस हार गई, देखिए 1956 से अगर एमपी की बात करें, फिर से बता दे रहा हूं, 1977 तक, 1956 में दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुपिंग्स थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उनको डिसॉल्व किया गया, और उसके बाद स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, जो कि अभी तक जारी है, ठीक है। तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश को बनाया गया। तो हम देखते हैं कि 21 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है, 1977 तक। लेकिन फिर इमरजेंसी के खिलाफ गुस्सा बहुत था, तो 3 साल तक 1977 से लेकर 1980 तक जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार रही। फिर 1980 से लेकर 1990 तक कांग्रेस की सरकार रही, अगले पूरे दशक कांग्रेस ने डोमिनेट किया, और 1990 से लेकर 1993 तक बीजेपी की सरकार रही। अब 1993 में बीजेपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि बाबरी मस्जिद इशू हो गया था, बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। तो प्रदेश में जहां जहां पे भी, देश में जहां जहां पे बीजेपी की सरकार थी, उन सबको बर्खास्त कर दिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव ने, पीवी नरसिम्हा राव गजब के प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। कांग्रेस में उनको वो इज्जत मिली ही नहीं जो उनको असली में मिलनी चाहिए। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि 1993 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो अगले 10 सालों तक दिग्विजय सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और आपको बता दूं कि जब संसदीय दल का चुनाव हुआ, ठीक है, और दिग्विजय सिंह को चुना गया, मैंने आपको बताया था ना वो पूरी कहानी कि एक तरफ माधवराव सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया ने तो पूरा चार्टर्ड प्लेन तैयार कर लिया था कि कब मुझे आके चीफ मिनिस्टर की शपथ लेनी पड़े, और अपने सारे विधायकों को तैयार कर लिया था, ठीक है। एक तरफ थे श्याम चरण शुक्ल, वही श्याम चरण शुक्ल जिनके पिताजी मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे 1956, और एक तरफ थे सुभाष यादव जो कि अर्जुन सिंह ने नाम जिनका आगे बढ़ाया था, लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए दिग्विजय सिंह आगे आए, दिग्विजय सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो दिग्विजय सिंह के साथ सांसद थे, विधायक थे सारे के सारे, ठीक है, बहुत सारे विधायक जो थे उनको दिग्विजय सिंह को सपोर्ट करते थे वो सबके सब। तो जब वोटिंग हुई, ठीक है, तो उसमें दिग्विजय सिंह जो है थे वो जीत गए। वोटिंग किसके बीच थी? दिग्विजय सिंह और श्याम चरण शुक्ल के बीच। तो दिग्विजय सिंह को 100 से ज्यादा वोट मिले और श्याम चरण शुक्ल को 56 वोट मिले। तो पीवी नरसिम्हा राव ने कमलनाथ से बात की, तो कमलनाथ से पूछा कि किसको बनाए, यहां पर जीत तो दिग्विजय सिंह गए हैं, तो इधर पीवी नरसिम्हा राव ने सिर्फ एक ही नाम बोला, दिग्विजय। तो वहां पे कमलनाथ ने ही दिग्विजय सिंह को बताया था कि आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे दोस्त, और ये दिग्विजय सिंह के इंटरव्यू में भी बोल चुके हैं कि हमारी दोस्ती जो है वो 40 साल पुरानी है। फिलहाल संजय गांधी जो है, संजय गांधी वो युवाओं को देख रहे थे कि कितने युवा आ सकते हैं, और जो उनके 20 सूत्री प्रोग्राम थे उसको देश भर में उसका प्रचार करें, उनमें एक कमलनाथ भी थे। इसी दौरान दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का उदय हुआ जो कि इस समय के हैं। इसी समय अशोक गहलोत आए, ऑस्कर फर्नांडिस, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये सब लोग 1977 में आए, ठीक है ना, यंग टर्क्स जिनको बोला जाता था। अब हम ये देखते हैं दोस्तों, कमलनाथ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। पहले तो उनको बैतूल से लड़ाने की कोशिश की गई, ठीक है, लेकिन वहां से बात नहीं बनी, तो उसके बाद इनको छिंदवाड़ा से लड़ाया गया, ठीक है ना। छिंदवाड़ा से ये एमपी हैं, आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, और छिंदवाड़ा से ये 9 बार जब जब लड़ते हैं, छिंदवाड़ा एमपी में ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तब तब जीतते हैं। तो 1980 में जब 7वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ 1980 में, तब कमलनाथ जो है वो चुन किया है। फिर उसके बाद 1984 में दोबारा चुन किया है, फिर 1989 में दोबारा चुन किया है, और 1991 में भी। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि इनके खिलाफ कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। जैन डायरी में जो हवाला केस हुआ था उसमें केएन लिखा हुआ था, तो ऐसा लगा था कि कमलनाथ का भी नाम है। तो कमलनाथ ने 1996 का तो इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ाया, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों 1991 में इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जगह मिली, ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इनको एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का चार्ज भी मिला 1991 में, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, कपड़ा मंत्री भी रहे ये, और एक कांग्रेस की ही सरकार थी। अब 1996 से लेकर 1998 तक तो आपको पता ही है कितनी अनस्टेबिलिटी थी, 3 प्राइम मिनिस्टर आए, 3 प्राइम मिनिस्टर गए। मैंने पूरी प्रधानमंत्री सीरीज कवर की है, आजाद भारत के बाद जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबकी बायोग्राफी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर 1996 का जैसा कि मैंने बताया वो डायरी केस हो गया था, जैन डायरी केस, हवाला केस में केएन लिखा था, तो सबने सोचा कमलनाथ का, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन अब गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए कमलनाथ ने 1996 का तो इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन 1998 का इन्होंने इलेक्शन लड़ा और कमलनाथ जीते। छिंदवाड़ा से इनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों, 1999 में 13वें लोकसभा के जो इलेक्शन हुए उसमें भी चुन किया है। 2001 से लेकर 2004 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, और 2004 में क्योंकि कांग्रेस जीत गई थी, ठीक है, कांग्रेस ने सीपीआई के साथ मिलकर सरकार बनाई, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2004 में ये दोबारा चुन किया है और फिर इनको कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल किया गया। उद्योग, ये बिजनेस फैमिली से आते हैं, ठीक है, उद्योगपतियों के परिवार से आते हैं, और आपको बता दूं कि सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर है ये, ठीक है, 273 करोड़ जब इन्होंने हलफनामा दिया था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को, सबको अपनी प्रॉपर्टी देनी, मतलब कितना पैसा है आपको पूरा आपको दिखाना पड़ता है जब भी आप चुनाव लड़ते हैं, तो 273 करोड़ था। अभी इनका मेहनत का पैसा है, ऐसा मत समझिए सब बेईमानी का है, सब मेहनत का पैसा है। इनके पास 20 से ज्यादा बिजनेस है, तो ऐसे ही यही बोला जाता है कि जो
प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर मतलब कमलनाथ अभी 2018 से एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं। अब शिवराज सिंह चौहान से अगर आप उनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, लोग बोलते हैं कि शिवराज सिंह चौहान तो थे वो किसानों के किसान के बेटे थे और किसानों की बातें करते थे, और शिवराज सिंह चौहान जिस भी इंटरव्यू में जाते थे वो कभी भी ये नहीं बोलना भूलते थे कि वो किसान के बेटे हैं, वो किसान के परिवार से आते हैं, लेकिन आप एक उद्योगपति के परिवार से आते हैं। तो यहां पे बोलते हैं देखिए इससे कोई, कमलनाथ का रिप्लाई ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट को आगे बढ़ाना है उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा करेंगे। वैसे भी दोस्तों जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो राहुल गांधी ने साफ बोल दिया था कि हम सबसे पहले जैसे ही हमारी एमपी में सरकार आएगी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी रैलीज में बोला था और उनके मैनिफेस्टो में भी था कांग्रेस के, हम सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों की कर्ज माफी होगी। और अगर ये नहीं हो पाता, जो चीफ मिनिस्टर आता है 2018 में ये नहीं होगा तो हम उसको बदल देंगे। तो ये फेवर में गया कांग्रेस के और कमलनाथ ने यही किया, वो जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने सबसे पहले किसानों का उन्होंने कर्ज माफ किया, ठीक है, तो गुड बुक्स में भी आ गए। और अभी तो अच्छा खासा काम चल रहा है एमपी में, बढ़िया काम कर रहे हैं कमलनाथ की अगर बात करें, ठीक है, काफी, जैसा कि मैंने बताया ना, काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है ये, काफी परिपक्व नेता है, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद 2004 से लेकर 2009 तक 5 साल तक देखिए इनको एक ही कैबिनेट दिया गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसीलिए इनको इंडस्ट्रियलिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। वैसे आपको बता दूं कि कमलनाथ के 2 बेटे हैं, उनमें से 1 बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब पॉलिटिशियन है, वो भी कांग्रेस की ही तरफ से पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिक्स करते हैं। तो 5 साल तक इनको एक ही पोर्टफोलियो दिया गया। अक्सर क्या होता है कि पोर्टफोलियोस चेंज होते रहते हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त पकड़ थी स्ट्रैटेजी बनाने में कि आगे का रोडमैप इंडस्ट्रीज के लिए कैसा होना चाहिए, इसीलिए 2004 से लेकर 2009 तक इनको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री बनाया गया। फिर 2009 में कांग्रेस की सरकार आई, फिर हम ये देखते हैं कि 2009 में भी ये चुन किया है, ठीक है, और इनको मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज दिया गया। फिर 2014 में भी ये चुन किया है, ठीक है। 2014 में दोस्तों क्या हुआ था आपको पता ही है कि जीते नहीं थे, कितने सांसद थे चाहे मैं एग्जैक्ट नंबर तो भूल गया हूं, लेकिन 40-50 के करीब थे, ठीक है, अगर कांग्रेस की बात करें, बहुत बुरी हालत हो गई थी कांग्रेस की लोकसभा में, ठीक है। अब हुआ यह था कि सभी हार गए लेकिन कमलनाथ जीत के आए थे और कांग्रेस के लीडर्स जो है वो इंटरव्यूज देने से बच रहे थे, लेकिन कमलनाथ खुल के सारे इंटरव्यूज दे रहे थे और कहीं ना कहीं इन्होंने पहले ही भांप लिया था कि शायद हमारा हाल जो है वो बुरा होने वाला है। तो ये सब कुछ हुआ। अब 2018 में जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, एक तो चेहरा कोई नहीं था, ठीक है, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, वो चेहरा कांग्रेस ने सार्वजनिक नहीं किया था। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सबसे आगे जो नाम था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, मुझे भी लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे, क्योंकि एक तो वो युवा तो काफी मेहनत की थी, सिंधिया परिवार से आते, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया, वो आपको पता ही है कि वो भी बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के। अच्छा, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब आप फोटोज देखेंगे वो बिल्कुल सेम है, जैसे माधवराव सिंधिया दिखते थे एकदम सेम टू सेम ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप पहचान ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबको यही लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे, दिग्विजय सिंह का भी नाम उछला, ठीक है। वैसे दिग्विजय सिंह ने 2003 से लेकर 2013 तक 10 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि 2003 में जब कांग्रेस चुनाव हारी थी तो जो पूरा का पूरा दोष है वो दिग्विजय सिंह पे ही डाला गया था, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप जरूर देखिएगा। तो गुटबाजी हो गई थी कि कौन होगा चीफ मिनिस्टर, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती तो कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और हर किसी ने यह बात मानी, और यही राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में भी सेम चीज, अशोक गहलोत बनेंगे कि सचिन पायलट बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत, राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से बैलेंस किया ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद 114 सीटें जीती 2018 में, 13 दिसंबर 2018 को कमलनाथ जो है वो प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पे चुने गए, ठीक है। तो ये चीज है, और जो काम है कमलनाथ फिलहाल तो अच्छा कर रहे हैं। अब आगे देखना पड़ेगा कि अगले 5 साल जो है वो कैसे रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान काफी समय तक उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, 2005 से लेकर 2018 तक चीफ मिनिस्टर थे, तो काफी समय तक 13 साल तक वो चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले रिकॉर्ड जो है वो दिग्विजय के नाम था। अब देखना है कि कमलनाथ कितने सालों तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कमलनाथ की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तो एक तस्वीर वायरल हुई थी, और उसमें जो थे बगल में राजीव गांधी बैठे थे और वो गाड़ी चला रहे थे कमलनाथ, तो ये बताया जा रहा था कि कमलनाथ जो थे वो राजीव गांधी के ड्राइवर थे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कमलनाथ बहुत ही अमीर घरानों से आते हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर घराने से आते हैं, काफी पैसा है कमलनाथ के पास,
ठीक है, तो कोई ड्राइवर आइवर वो सब दोस्तों आपको पता ही है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होते हैं, चुनाव जीतने के लिए पार्टी जो है आजकल सारे हथकंडे अपनाती हैं, चाहे जितना नीचे उनको गिरना पड़े वो गिरेगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।